हम ये कहते हैं कि ये ज़िंदगी बदलने वाला कारोबार है, तो उसका रीज़न ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है, जो कॉस्ट ऑफ बॉटल है, जब वो आप जानेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाज़ा आपको खुद हो जाएगा कि ये बॉटल आपके एरिया में जितने की भी सेल हो रही है, 30 की या 40 की, इसकी कॉस्ट सिर्फ 11 रुपये की आती है। प्योर में हाईली क्वालिटी अगर आप बनाते हैं और अगर बी क्वालिटी में बनाते हैं तो यही बोतल आपको 8 रुपये की कॉस्ट आ रही होती है। ये बॉटल जो है आपको तकरीबन 11 से 12 रुपए की कॉस्ट आती है, बिल्कुल प्योर में नेस्ले कोफीना किलने वाली बॉटल की। पानी तो जायका है ही आपका, पानी की क्वालिटी नंबर वन, लेकिन ये कॉस्ट आती है आपको सिर्फ 11 से 12 रुपए की, और ये सेल होती है 80 रुपए की। और ये 19 लीटर की बॉटल जो 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपए तक की आती है, तमाम तर एक्सपेंसिस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, आपकी शॉप का खर्चा और तमाम तर बॉटल के ऊपर जो कॉस्टिंग आ रही है वो 20 रुपए की आपको टोटल कॉस्ट आ रही होती है, और आप बेचते हैं 100 रुपए से 150 रुपए तक की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन को अपना तारफ करवाइएगा। मेरा नाम फहाद है और मैं दी वाटर कंपनी में होता हूँ। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो आरओ प्लांट है इसको लगाना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? ये एक बिज़नेस है। आरओ प्लांट तो एक ऐसी मशीन है जिसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये पानी साफ़ करने की एक ऐसी मशीन है जो पानी में से बैक्टीरिया, वायरस, आर्सेनिक, हर चीज़ को, हर मुज़िर केमिकल्स को, आर्सेनिक को, वायरस को, बदबू को, तमाम चीज़ों को ख़त्म करके प्योरीफाइड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं। उस मशीन को कहते हैं आरओ प्लांट। ठीक है, तो ये जो आपके पीछे प्लांट लगा हुआ है ये कौन सा प्लांट है? ये कमर्शियल आरओ प्लांट है जी। ये एक कारोबार के लिए लगाया गया है, एक शॉप बनाई गई है, और आपको पता है आजकल शॉप पे कारोबार जो बहुत लोग जो है हर घर में, हर ऑफिसेज में अब मिनरल वाटर पिया जाता है, चाहे बड़ा घर हो, छोटा घर हो, अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, मिडिल क्लास हों या ऑफिसेज हों, स्कूल हों, वहाँ पर मिनरल वाटर ही पिया जाता है। तो ये आरओ प्लांट मिनरल वाटर बनाता है। ठीक है, ये उसके लिए लगाया गया कारोबार के लिए। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इसको लगाने के लिए जगह जो है वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, इसको लगाने का पूरा मुकम्मल एक प्रोसेस है जी। जी, हम लोग जो करते हैं कि जगह कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम जो है वो, जैसे एक दुकान है, इसका साइज़ जो है वो ऐसे में 12 फीट है और गहराई जो है इसकी तकरीबन 20 से 22 फीट है। ठीक है, तो आम तौर पे एक कमर्शियल आरओ प्लांट को शुरू करने के लिए कम से कम जगह जो है वो 200 स्क्वायर फीट की जगह दरकार है। ठीक है, और इसका तरीक़ेकार जो है स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताना चाहूँ तो वो बहुत सिंपल है। ठीक है जी, हमने क्या किया कि हमारी कंपनी दी वाटर कंपनी पाकिस्तान के तमाम तर इदारों से रजिस्टर्ड एक वाहिद वाटर कंपनी है जो कि पाकिस्तान भर में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल आरओ प्लांट लगा कर के दे सकती है। जैसे कि आप हमारे अपने सर्टिफिकेट्स भी देख रहे हैं और इनके भी सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं जी, कि पाकिस्तान के हर इदारे से, हलाल से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, FBR से, SECP से, ठीक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड से, ये हमारा दी वाटर कंपनी, ठीक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड से, हर जगह से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। इसमें सबसे अहम स्टार्टिंग ये होती है कि सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने कारोबार करना कहाँ है और ये करना क्यों है। पहली चीज़, कोई भी कारोबार करने जा रहे हैं तो सिंपल एक सवाल ये हमारे जहन में होना चाहिए कि जो कारोबार मैं करने जा रहा हूँ वो क्यों करने जा रहा हूँ। जी जी, तो इस कारोबार को करने में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि एक तो ये FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, कि ये सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बहार हो, हर किसी ने पानी पीना ही पीना है। ठीक है, ठीक है, इसका कोई सीज़न नहीं है। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सा डाउन होता है लेकिन हर बंदे ने पानी पीना ही पीना है और रोज़ाना पीना है। तो इसकी सबसे अहम जो प्रॉफिटेबिलिटी की रीज़न है वो ये है कि पानी प्योरीफाइड करने के लिए आपको पानी ख़रीदना नहीं पड़ता जी। ये वो प्रोडक्शन का बिजनेस है जिसमें रॉ मटेरियल फ्री है, यानी आप ज़मीन से, नहर से या समंदर से आपने पानी लिया, ठीक है, और इस प्लांट से इसको प्रोसेस किया, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद इस तरह से जैसे ये छोटी बॉटल्स बनी हुई हैं, ये 1.5 लीटर वाली बनी हुई हैं, ये 19 लीटर की बॉटल्स तैयार हुई हुई हैं। ठीक है जी, ये आप हर तरह से पानी को सेल आउट कर सकते हैं एक मरतबा सिस्टम को लगाने के बाद। ठीक है, अच्छा ये जो आपने बताया कि आपकी कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या तरीकाकार है इसका? देखिए, हमारी कंपनी पाकिस्तान के जैसे तमाम तर इदारों से रजिस्टर्ड है, ऐसे ही जब हम किसी का सेटअप लगा करके देते हैं तो पूरा सेटअप हम खुद लगा करके देते हैं। यानी आपने सिर्फ सोच लिया कि कारोबार करना है, आपने हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, एक बिजली और एक पानी, यानी कि शॉप, घर, ये घर में भी लग सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों ने पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में अपने घर के एक रूम में भी सिस्टम को लगाया है,
ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्लांट सिर्फ 6 किलोवाट की बिजली कंज्यूम करता है, तो एक आम कमर्शियल मीटर पे इस प्लांट को लगाया जा सकता है, इसलिए घरों में भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी, और ये शॉप पे भी लगाया जा सकता है। तो हमने क्या किया है कि हम एक पूरा बिजनेस सेटअप दे रहे हैं, ये जो आप शॉप देख रहे हैं जी, ठीक है, इसको लगाने के लिए आपने हमें बिजली और बोरिंग का पानी या ज़मीन का समंदर का पानी जहाँ से भी आपने हमें इनटेक वाटर देना है, फीड वाटर, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जगह का सर्वे करना, आपको प्लांट लगा करके देना, पूरी आपको ट्रेनिंग देना प्लांट से रिलेटेड, ये प्लांट कैसे ऑपरेट होता है, मार्केटिंग की आपको ट्रेनिंग देना, और पाकिस्तान के हर इदारे से, पंजाब फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी, FBR, SECP, आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना, तमाम तर इदारों से रजिस्टर्ड करवा के अप्रूव करवा के हम देते हैं। आपके ज़मीन के पानी का सबसे पहले टेस्ट होता है, उसके मुताबिक प्लांट डिज़ाइन होता है, और जब आपका प्लांट चलना शुरू हो जाता है तो उसका भी हम खुद एक लैब से टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद फिर हम तमाम तर जो फूड अथॉरिटी के लाइसेंस है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका इरादा बनता है कि जी अब हमें प्लांट लगाना है, तो हम आपके सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन, और ये सारे हमारे पैकेज में शामिल है। ठीक है, अच्छा आपने प्लांट्स का बताया कि प्लांट्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। देखिए आम तौर पे जो कारोबार के लिए लगाए जाते हैं वो 2 किस्म के प्लांट होते हैं, एक 1 टन का प्लांट होता है और दूसरा 2 टन का प्लांट होता है। ये प्लांट जो है वो 1 टन का प्लांट है, यानी कि 5000 गैलन का, और 2 टन का जो है वो 10000 गैलन का है, ठीक है जी। 5000 गैलन वाला जो प्लांट है वो एक दिन में 20000 लीटर पानी बनाता है, ठीक है, लेकिन और 10000 गैलन वाला जो है वो 40000 लीटर पानी बनाता है, ठीक है, 24 घंटे में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 19 लीटर बोतल बनाते हैं, 6 लीटर बनाते हैं, 1.5 लीटर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आप याद रखें कि पानी की जो कॉस्ट है, क्योंकि पानी ज़मीन से फ्री आ रहा है, इस वजह से पानी की जो कॉस्ट है प्रोसेसिंग के बाद, इसमें सिर्फ बिजली खर्च हो रही है और मिनरल ऐड हो रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ 20 से 30 पैसे पर लीटर की कॉस्ट आती है पानी की कॉस्ट, बाकी आपकी जो पैकेजिंग वगैरह है उसके बाद आपको हर बॉटल के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आती है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इस प्लांट को लगाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो ये प्लांट लग जाता है। देखिए आमतौर पर इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो कम अज़ कम 9 से 10 लाख रुपये की रिक्वायर्ड है, लेकिन हम ये पूरा सेटअप जिसमें पूरा अमेरिकन टेक्नोलॉजी का स्टेनलेस स्टील का फुली ऑटोमेटिक आरओ प्लांट, हमारा प्लांट जो है वो फुली ऑटोमेटिक हम डिज़ाइन करते हैं और अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे, यानी इसका बोरिंग खुद स्टार्ट होगी, खुद ही प्लांट चलेगा, खुद ही फुल होगा, और टैंक जब फुल हो जाएगा प्रोडक्ट का, आपका जो है प्लांट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिस्टम है, यहाँ से पानी आया इन टैंक्स में और प्रोसेसिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली ये पूरा प्लांट चलता है, इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बटन दबाया खुद ही ऑटोमेटिकली सारा काम करके पानी में से बैक्टीरिया वायरस और तमाम तरह प्रोसेसिंग के बाद प्लांट से पानी रेडी हो जाएगा। और यहाँ से आप मैनुअल फिलिंग, उसकी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दे दूंगा लोगों को दिखाने के लिए, आपने उसमें वीडियो में भी उसको ऐड कर दिएगा कि वो किस तरह मैनुअल फिलिंग होती है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ऑटो फिलिंग पे जाना है, ऑटो फिलिंग पे जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले आप स्टार्ट करें इस सेटअप से, मैनुअल फिलिंग की स्टार्ट करें। देखिए ये सब मैनुअली फिलिंग हुई हुई है जी जी, ये सब मैनुअल फिलिंग हुई हुई है, ठीक है, मैनुअल से स्टार्ट करें फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑटो पे जाएं। तो हम ये पूरा सेटअप विद गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लाइसेंस 7 लाख रुपए में लगा करके देते हैं। 7 लाख में? जी हाँ। अच्छा 7 लाख बंदा लगा दे ले, लेकिन 7 लाख लगाने के बाद महाना बंदा इस प्लांट से कितना अर्न कर सकता है? देखिए आमतौर पर जो सभी जानते हैं इस कारोबार में कम अज़ कम भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी 10 गुना से भी ज़्यादा है जी, ठीक है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल की कोई पेमेंट करनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने रोज़ाना पानी तैयार करना है, उसको बेचना और प्रॉफिट आना है आपके पास। और जो एक कस्टमर एक दफ़ा बन गया, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो घर जिस घर पे आपकी बोतलें जा रही हैं, ठीक है, तो जो एक दफ़ा बन गया तो आप फिर उसके पहले असल में बात यह कि प्रॉफिट कितना होगा। एक बात याद रखें, ये वाहिद काम है जब इसमें आपने स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, चाहे वो रिटेलर बनाने में करें, चाहे वो होम डिलीवरी में, चाहे वो ऑफिसेज में। एक दफ़ा जिसके पास पानी चला गया उसको पसंद तो लाजमी आएगा, क्योंकि हमारी दावा है, गारंटी है कि हम आपको पानी ऐसा बना करके देंगे जो नेस्ले एक्वाफिना किनले के बराबर ही होगा, उसके जायके में भी और क्वालिटी में भी, और उसको तमाम इदारे भी इस बात को अप्रूव करेंगे कि ये प्लांट और पानी दोनों जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का है, और उस पर वो लाइसेंस भी इंशाल्लाह लाजमी इशू करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तमाम तर लाइसेंसिंग के लिए, तमाम तर इंस्टॉलेशन के लिए
सबसे अहम बात यह कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपको लाइसेंस बनवाने में मदद करेंगे, हम ये नहीं कहते, हम आपको लाइसेंस बनवा कर देंगे। हम आपको सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, SECP, आप अपनी जगह पर बैठे हुए होंगे और सारे काम आपके नाम पर रजिस्टर्ड करवाना, सारे लाइसेंसेज आपके नाम पर रजिस्टर्ड कराना, पूरा प्लांट आपकी जगह पर इंस्टॉल करना और उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देना कि किस तरह से मार्केटिंग होगी, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी की आप जो बात कर रहे थे, तो कम अज़ कम अगर जो जिस तरह से हम सिखाएंगे उस तरह से आप करते हैं तो 1 से 1.5 लाख स्टार्टिंग में और 2 से 2.5 लाख कुछ ईयर से बाद इजीली आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 लाख कमाएं, 50 लाख कमाएं, वो तो फिर मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग ऐसे सुहाने ख्वाब देखें, रियल फैक्ट्स पे जाना चाहिए। तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि अगर आपको एक प्लांट के ऊपर, एक सेटअप के ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए भी तमाम एक्सपेंस निकालने लगाने के बाद निकालने के बाद आपको 1 से 1.5 लाख रुपए बचत होगा, क्योंकि आप ये काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये वो वाहिद बिजनेस है, जब स्टार्ट हो गया और बिजनेस प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो ये कंटिन्यूसली आपको वो प्रॉफिट देता रहेगा, क्योंकि कस्टमर आपका रिटेन है, ऑटो पे चलने वाला काम है, बाद में ऑटो पे चलेगा ये इंशाल्लाह ताला। अच्छा बताइएगा कि अगर ये प्लांट लगा लिया, आपने कहा इसका रॉ मटेरियल जो है वो फ्री है, पानी तो फ्री में आ गया, इसकी जो बॉटल्स वगैरह हैं वो भी, उनके ऊपर भी तो खर्चा आएगा जी। तो 1 लीटर का आपने कहा था 30 पैसे लगेंगे, बिल्कुल। तो ये बॉटल्स वगैरह जो है इनके इन्वेस्टमेंट डाल के तो कितने में पड़ जाएगा 1 लीटर? देखिए बॉटल्स की प्राइसेस जो है ना वो अप एंड डाउन होते रहते हैं जी। बॉटल्स कहाँ से मिलेंगी, मेन बॉटल्स अच्छे बनाने वाले पाकिस्तान भर के बड़े बड़े शहरों में कहाँ कहाँ हैं लोग, तो वो हम आपको बताएंगे कि जो हमने बड़ी इस पर रिसर्च की है कि अच्छे ईमानदार जो डीलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो कहाँ पर हैं, हम उनके आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे जाके मिलें, जो उनमें से आपको पसंद है आप उसके साथ काम करें जी। अच्छा अब जैसे ये छोटी बॉटल है, ठीक है, इसका लेबल वगैरह तमाम चीज़ें मिला के 7 रुपये की बॉटल है और 7 रुपये 50 पैसे की लेबल और उसके ऊपर पैकिंग हो जाती है, 30 पैसे का माना कि हमने पानी लगा लिया, तो 8 रुपये की बॉटल की कॉस्ट आती है हमारी। और ये जो है तकरीबन 10 रुपये की बॉटल आ रही है, लेबल वगैरह 50 पैसे का आता है इसके ऊपर खर्चा, तो तकरीबन 11 रुपये की आप इसको समझ लें। फिर ये मार्केट में जो है वो आप अपने हिसाब से देखें कि मार्केट में कहाँ कहाँ कितने की सेल हो रही है, बचत अच्छी हो जाती है। आपको बल्क क्वांटिटी में काम करना है और अब उसके बाद आ जाती है 19 लीटर की बॉटल। 19 लीटर की बॉटल के तो देखें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस है वो 19 लीटर का है। 19 लीटर जाएगी, फिल होकर आएगी और वापस आ जाएगी। इसकी जो कॉस्ट आ रही होती है, ये पानी की टोटल कॉस्ट तकरीबन 4 से 5 रुपए की आती है, ठीक है और इसके ऊपर 5 रुपए का कैप लगा लिया, यानी 10 रुपए की आपको टोटल कॉस्ट आई। ट्रांसपोर्टेशन लगा लें इसमें, आपको 5 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन लगाएं तो तकरीबन 15 रुपए की आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ और दुकान वगैरह का तमाम तरह खर्चा लगा लें, आपने लोगों लेबर का खर्चा लगा लें तो तकरीबन समझ लें 20 रुपए की आपको कॉस्ट आ रही है। और आप जब 100 रुपये की ये सप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा इसमें बचत होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कस्टमर बनाते हैं, लेकिन मेरा ये लोगों को कहना है कि स्टार्ट में कम से कम 50 कस्टमर बनाएं और कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 महीने के बाद, हर काम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है ना, 3 महीने में आपका ये कस्टमर जो है रोज़ाना की 100 बोतल आपकी जाना चाहिए, 100 बोतल रोज़ाना सेल होगी तो आपका 8,000 रुपये डेली यानी 2,40,000 रुपये महाना का सिर्फ 19 लीटर की से बचत हो जाएगी, सिर्फ 100 कस्टमर, ठीक है, 100 बॉटल सॉरी। और ये प्लांट जो है एक दिन में आपको 500 बॉटल बना के देता है 12 घंटे में, 1,000 बॉटल बना के देता है 24 घंटे में। अब मैं 1,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं 500 की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 100 बॉटल की बात कर रहा हूँ। 100 बॉटल का आपने टारगेट बना लिया तो 2 से 2.5 लाख रुपये महीना कोई मसला नहीं है, और वो भी फर्स्ट टाइम में आपने मेहनत करनी है, बार बार वो 100 बॉटल का कस्टमर नहीं बनाना, वो कस्टमर तो फिर ऑटो पे आपके पास चलता रहेगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है, ठीक है। अच्छा लास्ट में सिर्फ पूछूंगा कि इस प्लांट को लगाने के लिए जगह किस तरह की होनी चाहिए, लोकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, देखें, जिधर हमारा नॉर्मली क्लाइंट ईजिली आ सके, जो गाड़ियाँ हमारी सप्लाई के लिए जाएंगी वो ईजिली आ सकें और ज़्यादा कंजस्टेड एरिया ना हो, ठीक है जी, ऐसी जगह पर हम ये प्लान लगाना चाहिए हमें। अच्छा सर लास्ट में बताइएगा कि अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे तो किस तरह से आपसे रابطہ होगा? देखिए हमारा रابطہ का तरीका ये कि हमारा हेड ऑफिस कराची में और हम प्लांट पूरे पाकिस्तान में लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं। जो शख्स भी हमसे प्लांट लगाने वाला होगा वो हमारे
पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में लगे हुए, तो हमसे जब रब्ता करेगा तो हम उसको विजिट पे वहाँ भेज भी सकते हैं, और ऑनलाइन भी हमारी बुकिंग हो जाती है, और हमारे फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा जब आप बुकिंग करा लेते हैं तो फिर हमारा टेक्नीशियन आपके पास आता है, वो सर्वे करता है, ये तमाम तरह चीज़ों के कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते जी। और ये पूरा आपको सेटअप लगा के दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, तो रबता नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप वीडियो पर लगा दें, उस पर आप रबता कर सकते हैं। रबता सिर्फ प्लांट लगाने के लिए नहीं, मैं ये आपके चैनल के तवस्सुत से बात करना चाहता हूँ जी, कि अगर आप लोग पहले से भी प्लांट लगाए हुए हैं और आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है, रजिस्ट्रेशन में प्लांट, पानी में, पानी के जायके में, पानी की क्वालिटी में, प्लांट की क्वालिटी में, प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं, आप सिर्फ कॉल करें और इंशाल्लाह ताला कॉल पे ही आपके मसले का हल आपको लाजमी मिलेगा। प्लांट हम पूरे पाकिस्तान में लगाते हैं, जहाँ जो चाहे वो हम लगा सकते हैं, जिस एरिया में आप चाहें लगा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तरबेला डैम में, कौटा रिसर्च लैब में, पंजाब में, पंजाब के तकरीबन हर शहर में सैलानी वेलफेयर के प्लांट्स हो गए, वेलफेयर के बहुत ज़्यादा प्लांट्स हम लगाते हैं, तो ये प्लांट्स हम लगा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।